आज जनपद रामपुर में फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जया प्रदा के दो मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से रामपुर के स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में दलीलें पेश की गईं। आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में पूर्व सांसद जया प्रदा ने अपने बचाव में एक गवाह को कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी पांडे ने जोरदार बहस की। स्वार क्षेत्र का मैटर था, 2019 के लोकसभा चुनाव में जयप्रदा प्रत्याशी थी, उनके विरुद्ध दो मामले लगे हुए थे। एक 9 अप्रैल 2019 का, जिसमें एक उद्घाटन करने वाली बात की सड़क की, और दूसरा मुकदमा था 14 9 2019 का, जिसमें उनके द्वारा जो है नेताओं के प्रति जो है अवध टिप्पणी वगैरह की गई थी। ये दोनों मामले लगे थे, इसमें बचाव पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति परवीन सिंह प्रस्तुत हुआ था, उसकी मुख्य परीक्षा के बाद हम लोगों की तरफ से जी रखी गई। रामपुर की पूर्व सांसद रह चुकी अभिनेत्री जयप्रदा मौजूदा समय में भाजपा नेत्री हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर एक सड़क का उद्घाटन करने और नेताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अलग अलग थानों में दो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनकी सुनवाई स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में जारी है। रिजवान खान, ग्लोबल टुडे, रामपुर। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर।